बहुत अच्छी मशीनरी भी इतने मौजूद है हर टेस्ट इतने भी तमाम मतलब जी आज आपके मलेरिया के हाँ जी मलेरिया आजकल काफी हुआ है। आप लोग क्या उनको चेकअप करते हैं फिर मेडिसिन भी देते हैं? हाँ जी अगर ज्यादा कुछ वो मसला हो तो आईवी मेडिकेशंस भी हो जाती हैं वरना ज्यादातर टैबलेट्स। आपकी क्या क्वालिफिकेशन? एमबीबीएस। बोल हाँ जी कहाँ से थे? अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिला हॉस्पिटल। आपका ताल्लुक कहाँ से? तो कुछ ज्यादा खतरनाक पेशेंट हो तो फिर क्या करते हैं? फिर तो हम उनको फर्स्ट एड करके फौरन एम्बुलेंस भी मौजूद है जी। एम्बुलेंस भी मौजूद है। अगर छोटा मोटा कोई सर्जरी भी हो जाती है या नहीं करती? छोटी मोटी जैसे अगर ट्रॉमा का हल्का फुल्का आ गया कोई थोड़े स्टिचेस लगाने वाले हैं तो वो तो हो जाते हैं हमारे पास। ये मेडिसिन सारी आप लोग को प्रोवाइड करते हैं जी? ये तो अक्सर कुछ ना कुछ सैंपल्स हैं बाकी हमारे पास फार्मेसी करती है। क्या चार्जेस यहाँ चार्जेस क्या लेते हैं? जो पर्ची फीस है मतलब जैसे फीस है वो 50 है। उसके अलावा बाकी जो सरकार वाले पेशेंट आते हैं उससे ही करते हैं उनका तो फ्री इलाज होता है। चलिए जी माशाल्लाह डूइंग गुड जॉब। थैंक यू थैंक सर। और यहाँ पे हम जो है ना जितने एक्सीडेंट केसेस हैं वो सारे यहाँ पे हैंडल करते हैं। नहीं ऑपरेशन बाबा ऑपरेशन सर्जरीज नहीं है लेकिन एक्सीडेंटल केसेस ट्रामा केसेस जो है ना वो यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। ज़कात का खैरात के हकदार वो फ्री ऑफ कास्ट ज़कात सदकात खैरात जड़े न फ्री गरीब आदमी को कोई पैसे नहीं गले गरीब को हर चीज बड़ी नीड है। मेरी दवाइयां तो फ्री है पीछे तक कुछ है मोटरसाइकिल शेर साहब आगे थोड़ा जो जितना आगे हो सकता है आगे गली है चल करो कितना आगे गली है सर आगे गली है सर वो जड़ी गली है मैच तकरीबन टोटल इस हॉस्पिटल के नाम पे वहां तक जहां तक ये शाह साहब जजाक अल्लाह खैर वानी शाह साहब आओ जगह।